इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। ये प्रीता कह रही है अभी कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे जैसे बाकी पार्टी है समझो, पर मैं जानती हूँ बीजी की फर्क पड़ता है। वो कुछ बोल नहीं रही है लेकिन अंदर से कितना दर्द है ना उसके सीने में, मैं समझ सकती हूँ। मैंने पैदा किया उसे बीजी, उसकी आंखों में वो दर्द देख सकती हूँ। मैं नहीं मानती ना करण और उसकी शादी, कि वो मानती है। आपने देखा ना, वो उसने अभी तक सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं निकाला है करण के नाम का। मैंने कितनी कोशिश की कि उसकी शादी पृथ्वी से हो जाए, लेकिन पीजी धोखा दिया है करण ने उसे हर बार, पहले बार मंडप पर आकर और अब आज धोखे से हमारा हॉल बुक कर लिया ताकि मायरा और उसकी मेहंदी वहां हो सके। मेरी बेटी को दुख देने के लिए बीजी, मेरी बेटी को दुख देने के लिए, और मैं कुछ भी नहीं कर सकती बीजी, कुछ भी नहीं। आपको पता है ना बीजी, कि सालों पहले हमने ये कुमकुम भाग्य और कितनी मुश्किलों से खोला था, घरों में जा जाकर ऑर्डर लिए थे, सिर्फ इसलिए कि जिन बच्चों की शादियां इस हॉल में हो वो लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी शुरू करें, उनके परिवार उनके साथ अपनी आगे की जिंदगी वो कस्बे लेकर शुरू करें। लेकिन मुझे कभी नहीं पता था पीजी कि इस हॉल की वजह से मेरी अपनी बच्ची की जिंदगी में सिर्फ आंसू आएंगे। पीजी वो लोग वहां पर खुश है लेकिन लेकिन प्रीता प्रीता अंदर ही अंदर कितना रो रही है बीजी, और मैं कुछ नहीं कर पा रही, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही बीजी। हमेशा सबको खुशियां दी है उस हॉल में, लेकिन अपनी बच्ची के दुख का कारण बन गई हूँ मैं बीजी। सरला, मैं समझ सकती हूँ, तू रोना चाहती है, रो ले, जी भर के रो ले, लेकिन एक बात ध्यान रख, तेरी रोने की आवाज इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बाहर प्रीता अगर वो सुनेगी उसको बहुत दुख होगा, वो टूट जाएगी। उसने अपनी माँ को एक बहादुर की तरह देखा, हमेशा लड़ने वाली, तुझे टूटते हुए नहीं देख पाई। और बेटा, तुम लोग क्या समझते हो कि मैं कुछ जानती ही नहीं? मैं सब जानती हूँ, लेकिन क्या करें, आदमी हालात से लड़ सकता है, लोगों से लड़ सकता है, लेकिन किस्मत से नहीं। किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही, किस्मत ने हमें हरा दिया है, इसलिए हमारी हर चीज उल्टी हो जाती, तभी तो ये दुख हम देख रहे। नहीं सर, तुझे टूटने से बचना हो बहुत दुख में, पर तेरी बच्ची भी तो तेरे से ज्यादा दुख में, वो अपना दुख बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपनी माँ का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बेटा टूट जाएगी, संभालना होगा।